हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू। खुशबू फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, और एक्चुअली में वो कोई टॉपिक नहीं है, बस ये है कि बच्चों को आसानी से कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी भी एक छोटी क्लास में है ना एक्चुअली में, तो उसको पढ़ाने में मैंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो बस वही कि उसको आसानी से कैसे पढ़ाया जाए, बस वही सब मैं आपको सामने शेयर कर रही हूँ कि बच्चों को आसानी से कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, और उनको पढ़ाना किसी, कहते हैं ना, किसी जंग से कम नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट्स में बता सकते हैं कि कैसे उन्हें आसानी से पढ़ाया जाए। ऐसा ही टॉपिक मैं आपको लेकर बताती हूँ कि जैसे कि स्कूल में बताया गया है कि बच्चों को माई सेल्फ याद करके आना, तो मैम ने उसको दिया, आपने उसको याद करने के लिए दे दिया कि बेटा आप इसको याद करिए। अब मैम ने उसको दिया है, आपने उसको याद करने के लिए दे दिया है, तो वो कैसे याद, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैम ने उसको आज दिया है तो हम उसको तुरंत उसको याद करने के लिए दे दें, ऐसा हमें नहीं करना। हम उसको ये कह देते हैं बेटा आप इसको याद करो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में, तो फिर मैं आपका आकर ये सुनूंगी। तो हमने उसको बच्चों को याद करने के लिए दे दिया, और जिस चीज़ के बारे में उसको पता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा। आधे घंटे का समय दे दिया, आधे घंटे के बाद आप आए हो, तो आपने और आकर उससे पूछा बेटा आपको माई सेल्फ याद हो गया, उसने बोला मम्मा नहीं मुझे तो याद नहीं हुआ है। अब क्या करा जाए, पर आपने उस आधे घंटे के बीच में क्या करा था, आप या तो फ़ोन पर बात करने लग गई हो या आप खाना बनाने चले गए हो, लेकिन आपने बच्चों को तो समय नहीं दिया ना, तो वो कैसे याद करेगा। उसके सामने एक नई चीज़ आई है तो उसको कैसे याद करेगा वो। चलो एग्जाम्पल के मैं आपके लिए बताती हूँ, मान लो आपको आपको खाना बनाना आता है, और आपसे कोई कह दे जी कुर्ती बनाकर लाइए, तो आप कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते ना, क्योंकि आपको खाना बनाना ही आता है, आप कुर्ती नहीं बना सकते। ऐसे ही बच्चे के साथ होता है, उसके सामने एक नई चीज़ आई है तो वो कैसे करेगा। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, और उसको आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ नई नई आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे। कोई ऐसा लंबा चौड़ा उसमें कोई वो नहीं होता है कि बच्चों को पूरे साल में इतना सारा सिलेबस करना होता, नहीं, बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है। तो हमें पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है उस चीज़ पर कि हमें उसको कैसे कराना है, तो हमें शुरू से देखना पड़ता है उस चीज़ को। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि माई सेल्फ दिया है मैम ने, तो आपको तो पहले से ही पता होगा, आपने बुक्स देखी होंगी, सिलेबस में इसका माई सेल्फ आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको स्टार्टिंग से माई सेल्फ की, मान लो 5 लाइन्स है, तो आप उस 5 लाइन्स में क्या क्या करोगे। 5 लाइन्स में मान लो उसके सबसे पहले उसका नाम आता है कि माई नेम इज़ एक्स वाई जेड कुछ भी, अब वो एकदम तो नहीं करेगा ना। आप इस लाइन को, उसको जैसे आपने इस टॉपिक को सोच लिया, आप 15 डेज पहले ही उसको स्टार्ट कर दिया याद कराना, और उसकी फर्स्ट लाइन है माई नेम इज एक्स वाई जेड कुछ भी, तो आप उसको खेलते हुए बेटा व्हाट इज योर नेम, तो वो कहेगा, बोलेगा माई नेम इज एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो उसको ये चीज़ याद हो जाएगी। ऐसी सेकेंड लाइन है कि वो कौन सी क्लास में है, तो आप उसको ऐसे ही पूछ सकते हैं इन विच क्लास, तो बताएगा मम्मा फर्स्ट क्लास। इस तरह से देखो आपकी उसकी 2 लाइनें हो गई, इस तरह से उसकी 5 लाइन्स आप उसको करवाइए, उसकी सारी कवर हो जाएंगी, और उसको 8-10 दिन में ये सारा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप उसको खाना खिला रहे हो या उसको बाथरूम में ले गए हो, कहीं भी ले गए हो, ऐसी लाइन्स तो आप कभी भी कर सकते हो। उसको इतनी अच्छे से याद हो जाएगा कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा, ना तो आपके ऊपर बर्डन आएगा ना उसके ऊपर बर्डन आएगा, वो बहुत आसानी से याद कर लेगा। इससे आपको बच्चे को ग्रो होने में मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा 100% लाता, नहीं, जो 100 लाने के लायक है वो 100 लाएगा, लेकिन जो 80 के लायक है तो हम उसको 80 के लायक तो बनाएंगे ना, वो 20 पे है तो उसको 80 लाने के लायक बनाएंगे, तो हमें मेहनत करनी होगी। इस तरह से हम उसको, बच्चे को आसान तरीके से पढ़ा सकते हैं। बस आज का मेरा यही मकसद था बताना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।